Clash of Clans. हाँ भैया, तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। हेलो, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। रख रख तेरी माँ की, रख। हाँ गाइस, तो आज हम अपने TS9 में और TS इस वीडियो में आज हम कोई अटैक और इन्फॉर्मेशन नहीं करेंगे। आज हम देखेंगे वॉर हिटर्स क्लैन के कुछ प्रीवियस वॉर के रिप्लेस, जो मतलब CWL से पहले के हुए थे। गाइस, मैं इस क्लैन में हूँ वॉर हिटर्स में, जिस क्लैन में नवतेज है, नवतेज PF, नवतेज पुणे फाइटर का एक प्लेयर है। दिखाता हूँ मैं आपको, वेट, जिसमें मेरी ये वाली आईडी है एक, और एक ये वाली है, और एक ये वाली है। नवतेज भी होगा इधर, ये रहा नवतेज भी है, और जीजी ललित भी है। जीजी वही है जो थैंक यू क्लैन में है, शायद मेरे पास नहीं होगी वो आईडी। थैंक यू क्लैन में है वो बंदा, जो सुमित भाई की क्लैन में। तो धीरे धीरे रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं सुमित भाई के साथ। तो गाइज, हम वॉर रिप्लेस देखेंगे कुछ प्रीवियस वॉर के, जिसमें हमारी वॉर लगी थी वॉर हिटर्स वर्सेस कोई कोरियन क्लैन था, और 85 के साथ 30 vs 30 की वॉर, 32 उनकी परसेंटेज, 97 हाफ और ज़्यादा ले लो 37.13%। तो वो बड़ी गंदी तरीके से हारे हैं। तो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ रिप्लेस। ये देखिए वॉर गन गाइस, बस ये हम तीन स्टार से हारे हैं, तीन चार पाँच छः स्टार से हारे टोटल। तो गाइस, मैं आपको पहले 3 स्टार्स के दिखाता हूँ रिप्ले। अर्श ने किया है, जो कि इस क्लैन का क्लैन लीडर है, उसने मारा है ये थी स्मैश, जो मारते हैं अपने सुमित भाई, जिसमें अर्थक्विक करने में बहुत मज़ा आता है मेरे। तो गाइस, एक बार दिखाता हूँ आपको इसने क्या किया। पहले कि अर्थक्विक डाला इसने, पहले यहाँ पर डालेगा भी देखना, फिर एक अर्थक्विक और डालेगा ताकि जो थोड़ा सा है वो साफ़ हो जाए। ये अर्थक्विक डाल दिया, और इस जगह पे, इस पोर्शन पे शायद अर्थक्विक डालेगा ताकि जो फनल है वो पूरी तरीके से बन जाए। फनल बन गया, टेस्ला खुल गया, गीगा टेस्ला। अब अपने ट्रूप्स डिप्लॉय करेगा वो धीरे धीरे। 20 स्पीड में दिखाता हूँ, पहले SB ताकि यहाँ से थोड़ा फनल बन जाए। यहाँ पर अपना सारी ये थी स्मैश और वॉल फूटी, सब अंदर गए। डायरेक्ट टाउन हॉल और ईगल CC कैप्चर कर लेगा। गाइज, मेरे ख्याल से इसमें CC नहीं थी शायद, जब भी हुआ ये वॉर्डन की एबिलिटी सही टाइम पर यूज़ करी है बंदे ने। TS-13 के फटने से बंदे स्लो तो हो जाते हैं, लेकिन वॉर्डन की एबिलिटी करने के बाद भी स्लो हो जाते हैं। जरा देखिए इतनी मोटी लेयर इन्फर्नो की। तो गाइस, इस तरीके से उसने 3 स्टार कर दिया, कुछ नहीं बचा इस बेस पे, एक स्कैटर शॉट बाकी है बस, बाकी तो शायद निकाल नहीं रहा वो बड़े प्यार से। तो 400 स्पीड में देख लेते हैं फटाफट इसके विचेस। ये थी और वार्डन ने काम कर दिया बहुत तगड़ा वाला, और पेक का ही बचा था जो कि कंफ्यूज कर दिया। तो गाइस, इस तरीके से इसने 3 स्टार किया है, और अब देखते हैं नेक्स्ट प्ले, क्योंकि स्नाइपर ने किया है। स्नाइपर है को लीडर, और वो है अपना लेजेंड नहीं कह सकते, टाइटन लीग में। तो गाइस, इसने किया है अपना क्वीन चार्ज विद बोविच ऑन मैक्स हीरोज विद TS-13। बढ़िया लग तो रहा है, देखते हैं कैसे इसने पहले फनल बनाया, किंग डाउन किया, और CC मेरे ख्याल से तो नहीं है इस पर, इसलिए इसने CC की तरफ से नहीं छोड़ा अपनी क्वीन को, और क्वीन चार्ज थोड़ा कर दिया इसने। बॉलर से फनल बनाया ताकि सारे ट्रूप अंदर कोर में जाए और धमाका हो जाए। गाइस, ये सीज मशीन जो है ना, ये आपका जो 14 लेवल की वॉल है उसको 3 लेयर में फोड़ती है, सेम एज 13 लेवल वॉल। सारे के सारे ट्रूप्स डाल दिए, रेस डाल दिया, एक और रेस डाल दिया, वॉर्डन की एबिलिटी यूज़ कर ली। सही टाइम पे नहीं किए मेरे ख्याल से यूज़ वॉर्डन की एबिलिटी। एक हील डाल देना चाहिए इसको यहाँ कहीं बॉम्ब टावर के यहाँ पर, देखते हैं कहाँ यूज़ करता है।
यहीं पर कोर में ट्रूप्स है तो यहीं पर यूज करना चाहिए था। ये बहुत दिमाग खराब होता है जब क्वीन इस पे होती है स्केलेटन पे अट्रैक्ट। एक हिल बाकी है बीबी, सही है वैसे, कोई नहीं, अब क्या बचाएगा इन्फर्नो और कुछ नहीं। तो गाइस ये 3 स्टार हो जाएगा बड़े प्यार से। इधर का जो है कंपार्टमेंट वो भी टाइम पे अपने क्लियर हो गया, वरना टाइम फेल भी हो सकता था ये 97% के साथ। अच्छा हुआ क्वीन जिंदा थी। तो गाइस ये भी 3 स्टार हो गया। इसमें एक सुपर जायंट यूज़ किया था इसने। गाइस एक दिखाते हैं नाइट फ्यूरी का अटैक। गाइस क्लैन में मैं नया आया हूँ इसलिए थोड़ी इज्जत नहीं है मेरे लगता है। इसमें भी अटैक किया जाए बो विच से नाइट फ्यूरी ने। तो इसने पहले क्या किया, फनल बनाया होगा, हाँ जी विच डाल के फनल बनाया बढ़िया से। बेकार बेकार से बेस है, कोई तगड़ा सी डब्ल्यू एल या वॉर का बेस नहीं है इधर। सस्ते सस्ते क्लैन है ना लगता है ये सब। सारे के सारे ट्रूप्स डाल दिए अंदर और बस क्या करेगा, वार्डन की एबिलिटी यूज़ कर ली, तेस्ला खुल चुका है। कीड़े आ रहे हैं उनके, देखते हैं की स्पीड में क्या बचा क्या। और इसके बीच में विचेस यार बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है, मतलब उसको क्या कहते हैं आपके डिफेंसेस को। सही है विचेस बहुत बढ़िया। सी डब्ल्यू एल का सीजन है गाइस, मज़े करिएगा और अटैक्स करिएगा। एक ही अटैक है याद रखना, 2 अटैक नहीं है अपने पास। कोबरा क्लैन, कोबरा क्लैन, कोबरा क्लैन, ओहो किसने कहा था कि TS-13 पे आप नहीं मार सकते इलेक्ट्रो ड्रैगन। मुझे उससे बात करनी है फोन पे अभी के अभी। 5 रेज 3 स्लैमर ड्रैगन, बाय बाय बाय, शुरू हो जा। लोन्स छोड़ दिए ब्लैक एयर माइन ताकि डिटेक्ट हो जाए। गाइस दिमाग हो तो कोई भी स्ट्रेटजी बड़े प्यार से 3 हो सकती है, जैसे कि इस बंदे के पास है। आप मेरे ख्याल से बिना किंग क्वीन और आरसी के 2 स्टार बड़े प्यार से कर सकते हो TH-13 में भी, TH-12 का प्लेयर भी कर सकता है और TH-11 का भी, अगर TH-11 वाले के पास ज़्यादा स्किल्स है तो। सही जगह पे फ्रीज यूज़ कीजिए, सही जगह पे रेज यूज़ कीजिए, बस आपका काम खत्म। और किंग क्वीन अपने ऐसे जगह पे छोड़िए जहाँ पर इलेक्ट्रो ड्रैगन पहुँच ना सके। और ज़्यादातर जो मतलब सब जुड़े हुए बेस होते हैं वो ज़्यादातर 3 हो जाते हैं इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक से, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस एक दिखाता हूँ आपको एक और अटैक, कोबरा क्लैन ये रहा, नाइट फ्यूरी का देख लिया हमने, और नागराज, नागराज टॉप प्लेयर है इस क्लैन का इन ट्रॉफीज, और उसने TH-13 पे ये स्मैश किया है। वही करना है आपको, यति और विच स्मैश किया है, सारे के सारे यति छोड़ दिए। ये 2 जो आर्मी कैंप है इनका क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कुछ। फनल बन गया है, सारे के सारे ग्रुप स्कोर में रेंज डाल दिया है, 3-4 रेंज लेके गया था 2 हीरो प्लीज। और गाइस जो एबिलिटी है वो वार्डन की वो थोड़ी देर में यूज होती है इन स्ट्रेटजी ऑफ यति स्मैश। इसके बाद विच भी थी, टाउन हॉल खुल जाएगा, खुल चुका है टाउन हॉल, अब इधर आके ये वार्डन की एबिलिटी यूज कर सकता है करी, क्योंकि टाउन हॉल से बहुत ज़्यादा खतरा होता है गाइस। हाँ एक बात बता दूँ आपको, जो टाउन हॉल 13 का जो फर्स्ट अपग्रेड है वो टाउन हॉल 12 का लास्ट 5th अपग्रेड एकदम सेम उस तरीके से डैमेज करता है वो, इसलिए बहुत बड़ी बात है ये टाउन हॉल 13 और टाउन हॉल 12 के प्लेयर्स के लिए। तो गाइस कुछ नहीं रह गया, अब इस पर स्कैटर शॉट टाउन हॉल इकल अटली सब निकाल दिए, बस थोड़े बहुत डिफेंसेस थे वो भी निकल गए, और इसी तरीके से 1 रेज इसके बाद बाकी रह गया जो भी सीसी का था।
हाँ गाइस, तो आज के रिप्लेस इतने ही थे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक किए मैं 501 लाइक जो कि कभी पूरे नहीं होने वाले। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन भी दबाओ बाजू वाला। तब तक क्या करें, CWL खेलते हैं। चलो गाइस, नेक्स्ट वीडियो CWL की मिलेगी आपको। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।